हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ हमारे सतार यूट्यूब चैनल से। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले सॉफ्ट क्लोज हाइड्रोलिक यानी कि गैस पंप लगाते हैं अपन, उसमें अपने ग्लास का दरवाजा लगा रहे, प्रोफाइल का दरवाजा जो होता है ग्लास वाला, उसमें क्या होता है दरवाजा ऐसे, ये मैं आपकी सैंपल बता देता हूँ आपको। ऊपर चलना पड़ेगा मेरे को, ये वाला देखो, ये वाला जो दरवाजा है ना, ये कैसे आवाज आती है, ये कैसे, ये क्या गैस पंप में मतलब ये आवाज आती है। तो अभी आपके यहाँ पे जैसे कि दरवाजा लगा हो, यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे अभी हमने तो प्ले का दरवाजे किया, लेकिन यहाँ पे ग्लास का दरवाजा है और वो ऐसे जाके बंद होगा तो ग्लास टूटने का चांस रहेगा। तो अभी मैं आपको इसके बारे में कौन सा गैस पंप लगाना चाहिए उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये वाला इको कंपनी का पंप है और ये लिखा हुआ है प्रो लाइट सॉफ्ट क्लोज, यानी कि सॉफ्ट क्लोज। अभी कैसे ये इंजिन, ये देख लीजिए, इसका सैंपल ये देख लीजिए, मतलब कैसे ऑटोमेटिक बंद हो रहा है। इसी तरह से ये दरवाजा भी आपका जो ये ऑटो इंजिन से बंद हो रहा है, उसी तरह से ये दरवाजा होगा। और इसको फिटिंग कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ, इसकी फिटिंग क्या क्या है देख लीजिए आप। ये मेरे को 15 केजी का मैं पंप लगा रहा हूँ, उसके ऊपर भी लिखा हुआ होगा, ये देख दिखेगा नहीं, ये 15 केजी है, ठीक है। तो अभी ये इसका लॉक है, ये आपको यहाँ पे इसका लॉक लग जाएगा, ये लगाने के बाद में, ये यहाँ पे लगने के बाद में इसका ये लॉक लग जाएगा। मैं अभी सारा ये फिटिंग करके आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ये सॉफ्ट क्लोज होगा और कैसे फिटिंग करना है इसको, कैसे क्या माप रखना है और कहाँ से रखना है, पूरी डिटेल के साथ में पूरा वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए तो ही आपको पता चलेगा कि ये पंप कैसे फिटिंग किया जाता है और क्या माप रखा जाता है। अगर वीडियो को स्किप करोगे या वीडियो को आगे बढ़ा दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे कौन सा माप रखा था। तो ये नए मिस्त्री के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है, नए मिस्त्री के लिए अच्छी जानकारी है, पुराने जो कारपेंटर है उनको तो पता ही होगा, नए मिस्त्रियों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो मैं अभी इसको फिटिंग करके बता देता हूँ आपको। हाँ तो दोस्तों, इसकी ये फिटिंग है, ये इसका सॉफ्ट क्लोज है और ये गैस पंप है और ये इसका सॉफ्ट क्लोज है, इसको कैसे रखना है और ये इसका लॉक है, तो कैसे फिटिंग होगा वह सब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो दरवाजा है मैंने पहले लगाया हुआ था, मैं आपको वापस से बता देता हूँ। आपको 3.25 इंच पे इसको इधर लगा देना है, ये जो 3.25 इंच है इसको 3.25 इंच से इधर इसको फिटिंग कर देना है। और फिटिंग करने करके ध्यान रखिए आप कि ये जो है ये डटी, ये सॉफ्ट क्लोज जो दिख रहा है आपको, ये आगे की साइड रहना चाहिए, ये इस तरह रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं फिर आपको क्या करना है, ये इसमें जो ये होल है ना, ये इसको आपको यहाँ पे इसको आगे रखने के ऐसे रखना है, फिर इसकी ऐसी ये जो डटी में आई थी ये वाली, आपको इसको लॉक कर देना है ऐसे, इसके अंदर पता देना है, ये लॉक हो गया, ठीक है। अभी आपको दोनों साइड ऐसे लगा देना है, ये साइड पे भी आपको ऐसे लगा देना है, ये ध्यान रहे ये पंप वाला सिस्टम आगे रहे रखना है, दोनों तरफ क्या में माप रखना है आपको, ये कितना रखना है, इतना रखना है या फिर इतना रखना है, जितना भी आपको रखना है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको इसको लगा देना है, ठीक है। यहाँ से आप एक दरवाजे का माप कर लेना है और फिर दूसरा आपको अभी इसको ऐसे लगा के ऐसा करके, ये जो मैंने लॉक बताया था ये वाला लॉक यहाँ पे डाल देना, ठीक है। इसी प्रकार से इधर भी आपको
हाँ तो दोस्तों इस प्रकार से ये दरवाजे का मैंने सॉफ्ट क्लोज यानी कि हाइड्रोलिक गैस पंप लगा दिया है, तो इसमें ये सॉफ्ट क्लोज है। अभी ये कैसे मैंने दरवाजा बताया था, ये इसी प्रकार से ये बंद होगा। और आपको ये क्या करना है, एक दरवाजा सेट कर लेना है। अगर सब दरवाजे आपके सेम माप के हैं तो आपको यहाँ से नीचे से माप ले लेना है और ये आपको माप से लगा देने का सब जगह से। ये देखो मैंने सब लगा रखा है, ये सब दरवाजे मैंने सॉफ्ट क्लोज के लगाए हुए हैं। अभी अभी दरवाजे की बात हो रही थी ये वाले, तो अभी ये बंद कैसे होगा वो देखना है आपको। ये अभी उधर से आपको दिखेगा, इधर से नहीं दिखेगा, ये कैसे बंद हो रहा है देख लीजिए, बिल्कुल आराम से जा रहा है, ये बंद हो गया। अभी ये यहाँ पे आके इसकी बस यहाँ पे आ के छोड़ देने का है, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों हमने सब दरवाजे लगा रखे हैं। हाँ तो दोस्तों इस प्रकार से आप सॉफ्ट क्लोज गैस पंप लगा सकते हो। इसमें से ज्यादा कुछ नहीं है, जो ऊपर की जो ठेसी आती है वो वाली, इसमें ये वाली जो ठेसी आती है ये वाली, ये अपने सॉफ्ट क्लोज का काम करती है और बाकी कुछ नहीं। बाकी पंप सेम ही आता है, गैस पंप जो आता है वो लगभग सेम ही आता है। तो दोस्तों इस प्रकार से कोई भी नया आदमी आसानी से गैस पंप लगा सकता है, हाइड्रोलिक गैस पंप आसानी से लगा पाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे से ऐसे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।